नमस्कार, तुषार रॉय सैक्सोफोन की तरफ से। मैं तुषार रॉय, आप सभी को शुक्रगुजार और स्वागतम करके आज का ट्यूटोरियल मैं शुरू करता हूँ। आज मेरा 9th लेसन रहेगा, ठीक है। पिछले दिन मैंने 8 ट्यूटोरियल दिया था, 8वां था, आज 9वां है। तो पिछले दिन का जो क्लास था वो था ई मेजर स्केल का नोटेशन, और आज मैं देने वाला हूँ उससे आगे, ठीक है। और जो हर बार मैं जो बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आप लोग क्या करना चाहिए आप लोगों को, और मैं भी वही करूँगा एक बार, उसके बाद एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। मैं नहीं करूँगा, आप लोग करना है, क्योंकि टाइम लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं जितना ज़रूरत है आप लोगों का क्लास जितना है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ मिल जाएंगी, मेरा हर एक ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपका मेरा ट्यूटोरियल देखना पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक बार क्रोमेटिक स्केल पर जाऊँगा, उसके बाद मैं बता दूँगा क्या क्या मैंने कराया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये था, ठीक है। तो ये था क्रोमेटिक स्केल। हाँ, एक किसी ने मुझे पूछा था, कॉल भी किया था कि कौन सा रीड यूज़ करते हैं आप। मैं सर सैक्सोफोन में, अल्टो सैक्सोफोन में वैंडरिन का ही रीड यूज़ करता हूँ। पहले मैं रिको का करता था, रिको अच्छा था, रिको थोड़ा इजी है, लेकिन मुझे अभी वैंडरिन अच्छा लगता है। वैंडरिन का जितना बड़ा रीड लेंगे उतना ज़्यादा हार्ड होगा, तो आप लोग ज़्यादा हार्ड वाला स्टार्टिंग में लेना भी चाहिए, 3.5 या 3 का लीजिए। 3 का लेने से क्या, थोड़ा सा टाइट लगेगा बजाने के लिए, आपको थोड़ा मुश्किल होगा प्रैक्टिस करने में, जब गाना बजाएंगे तब उस टाइम ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको 3 का लेने के मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है ना। वैंडरिन का थोड़ा अच्छा है, इसका टोन अच्छा आता है मेरे हिसाब से, बाकी किसके पास कैसे लगता हो तो मुझे मालूम नहीं है। तो बाकी मेरा सजेशन यही है कि वैंडरिन का रीड अल्टो सैक्सोफोन के लिए बेस्ट मेरी तरफ से, बाकी जिनका जो मर्जी। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अभी आगे का क्लास शुरू करते हैं। पिछले दिन इससे पहले मैंने क्या क्या दिया हूँ, क्रोमेटिक दिया हूँ, सी शार्प, डी शार्प, ई तक दे दिया था मैंने, सारे मेजर स्केल नोटेशन दे दिया मैंने ई तक। अभी देंगे, आज देंगे इसके बाद वाला क्रोमेटिक में एफ आता है तो एफ का मेजर स्केल बजाएंगे, ठीक है। एफ का जो नोट्स रहेगा मैं बजा के दिखाता हूँ हर एक नोट, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कीजिए, मर्जी आप लोगों का, या मेरा वीडियो एक दो बार देखने से वो याद हो ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, ओके, आज का लेसन एफ मेजर स्केल का नोटेशन देखिए। सबसे पहले हाँ, एक बात और है कि इसमें 2 ऑक्टिव बजता है, 2.5 ऑक्टिव बजता है, जो भी बजता है आप लोगों को मैं जो दे रहा हूँ वही बजाइए, ठीक है ना। और इसके हर एक स्केल का, मैक्सिमम स्केल का 2 ऑक्टिव बजता है, तो 2 ऑक्टिव की आपको ज़रूरत नहीं, मैं जो दे रहा हूँ वो बजा लीजिए पहले। बाकी नोट्स, हर एक नोट्स का नाम आपको बता दिया हूँ, आप लोग वही नोट पे कहीं भी बजा सकते हैं आप इजीली, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर किसी को इंक्वायरी करना है, पता करना है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं बता दूंगा किस तरह से आपको बजाना है, वैसे यहाँ पे तो बजा ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ, वो भी बता दूंगा 2 ऑक्टिव में कहाँ कहाँ बजता है, ठीक है। पहले लोअर ऑक्टिव में बजाऊंगा, उसके बाद हायर ऑक्टिव में बजा के दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, डन, शुरू कीजिए। सबसे पहले एफ, ऊपर का 3, नीचे का 3, ठीक है, ऊपर का 3, नीचे का 3, दोनों हाथ का सारे 3-3-6 उंगली दबा के ऑक्टिव की छोड़ के, ठीक है, लोअर ऑक्टिव बजा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आएगा एफ, ठीक है, एफ। इसके बाद आएगा जी, एफ के बाद सिर्फ नीचे वाला छोड़ना है, ये 6 में से सिर्फ नीचे वाला छोड़ना है, ठीक है। ऊपर का 3 और नीचे वाला 3 में से ऊपर का 2, ठीक है, ये हो जाएगा जी, और ऑक्टिव की छोड़ के, ओके। इसके बाद आएगा ए, नीचे वाला 3 दोनों में से ऊपर वाला छोड़ना है, ऊपर का 3 नीचे का 3 में से सेंटर वाला, ओके, ये आएगा ए। ओके, ए। इसके बाद आएगा ए शार्प, ए वाला नीचे वाला की छोड़ दिया, ऊपर सिर्फ ऊपर का 3 आएगा ए शार्प, ठीक है। ओके, इसके बाद आएगा सी, सिर्फ नीचे वाला की छोड़ूंगा, दिख रहा है ना, सिर्फ नीचे वाला की छोड़ दिया,
सिर्फ ऊपर का दो पकड़ने से आएगा सी। हो गया, सी के बाद आएगा डी, ठीक है, डी ए, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला बटन डी। हो गया, अभी आएगा ई, ठीक, ये छोड़ दिया, ऊपर वाला की छोड़ दिया तो हो गया ई, सारे छोड़ दिया, ठीक है, इससे पहले आपको पता ही ये कौन सा है, तो सब छोड़ दिया ई। उसके बाद आएगा वापस एफ, हाई एफ, ठीक है ना, फिर वापस जैसे पकड़ा था ऑक्टिव की पकड़ के, ऑक्टिव की का आपको अब लोग यहाँ पे पता चलेगा ऑक्टिव की क्या होता है। तीनों बजाया था तो एक टोन आया था, अभी ये ऑक्टिव की दबा के बजाऊंगा पूरा छः का छः की पकड़ के, तो हायर एफ आएगा, ठीक है, इससे भी हायर में है वो भी मैं बताता हूँ। चलिए, ओके, ये मैंने आरोह आया था, अभी अवरोह जा रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर वापस जा रहा हूँ, एफ हो गया, छोड़ दिया ई, फिर आएगा डी, ऊपर वाला की, ठीक है, ये ऊपर वाला की डी, ओके, फिर आएगा सी, ठीक है, सी सी, उसके बाद आएगा ए शार्प, ठीक है, बहुत इजी है इसके लिए। उसके बाद आएगा ए, ए, ठीक है, ऊपर का तीन और ए, उसके बाद आएगा जी, सिर्फ ये वाला पकड़ लेना, ठीक है, उसके बाद आएगा एफ, ए पूरा, ठीक है, पूरा छह पकड़ने से एफ, ओके, एक बार मैं लगातार बजा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये था एफ का लोअर ऑक्टिव का नोटेशन, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कंफ्यूज में नहीं होना, सिर्फ ऑक्टिव की दबा के आप शुरू करेंगे, सेम नोट्स बजाना, सेम, कुछ आगे पीछे नहीं करना, सेम नोट्स बजाना, सिर्फ एक ही की बजाना आपको हायर में, वो आ जाएगा एफ, और कुछ नहीं करना, सेम, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं करूँगा, लंबा काफ़ी हो रहा है, तो मैं जो बताया सेम की बजाना एफ मेजर स्केल के लिए, सिर्फ ऑक्टिव की दबा देना, आपको एक ऑक्टिव बढ़ जाएगा तुरंत, ठीक है, देख लीजिए, ऑक्टिव की बजा के मैं बजा रहा हूँ सेम जो मैं लोअर ऑक्टिव में बजाया था, और हायर ऑक्टिव में सिर्फ एक नोट आएगा ये वाला, मैं पहले बता देता हूँ, बाद में बजा के दिखाता हूँ, ठीक है, देख लीजिए, ऑक्टिव की दबा के बजा रहा हूँ एफ का नोटेशन मेजर स्केल का। ये बजाया, ठीक है, तीनों एफ है, ये लोअर में, मिड में और हाई में, देखिए, तीनों सेम है, लोअर में और हायर में, ठीक है, एक बार और बजाता हूँ, ठीक है, समझ में आया, फिर से एक बार धीरे धीरे बजाता हूँ, लोअर और हायर दोनों बजाऊंगा, ठीक है, पहले लोअर बजा रहा हूँ ऑक्टिव की छोड़ के, सिर्फ ऑक्टिव की दबा के मैं बजाऊंगा और एक नोट में एक्स्ट्रा लूंगा और कुछ नहीं करूंगा, देखिए, ठीक है, ये दोनों ऑक्टिव में मैं आपको बजा के दिखाया हूँ, कोई अंतर कोई मतलब जो थोड़ा समझने वाला रहेगा तो तुरंत पकड़ लेंगे ये चीज़, ज़्यादा कोई इसमें महाभारत नहीं है, ठीक है, इसीलिए आप कर सकते हैं।
चलिए आज का लेसन इतना ही है, ज़्यादा नहीं करेंगे। हमेशा तो बोलते ही रहता हूँ, चलिए जो नए लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर, अगर अच्छा लगता तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई कोई मतलब जानकारी लेने की और एक्स्ट्रा कोई क्वेरी होगा तो मुझे मैसेज कर सकता है कमेंट बॉक्स में, या तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है। ओके, सबको वंस अगेन दिल से शुक्रगुजार जो मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं। चलिए नमस्कार।